आई होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को इस नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ। आई होप सो ये आने वाला नया साल आप सभी लोगों को अच्छा जाए। जो कुछ भी आपके सपने हैं, जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में, वो आप इजीली अचीव कर सको इस आने वाले साल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ना मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरे बायजूस के एक्सपीरियंस के बारे में कि मैंने बायजूस एज अ प्रीसेल एसोसिएट कब ज्वाइन किया, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, और अभी मुझे 2 मंथ्स जो है बायजूस में काम करते हुए हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें का एक्सपीरियंस क्या है, ये सब मैं आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। क्योंकि क्या हुआ था ना फ्रेंड, जब मुझे बायजूस में जॉब लगा था एज अ प्रीसेल एसोसिएट, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए और बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल्स वगैरह किए मेरे फ्रेंड्स ने एंड ऑल। तो मुझे पूछे जा रहे थे सबके नाम, आपको बायजूस में जॉब कैसे लगा आप बताइए मुझे, और आपने कैसे अप्लाई किया था, इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, इंटरव्यू ज़्यादा हार्ड था, कौन से क्वेश्चन आपको पूछे थे, ये सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका एक वीडियो ही बना दूँ, जिसकी वजह से आपको भी हेल्प हो जाएगी। तो फ्रेंड चलिए, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने वीडियो की तरफ शुरू करेंगे। जॉब जो है प्लेसर एसोसिएट जो है मुझे 2 नवंबर को मुझे लगा था, 2 नवंबर को मेरी ज्वाइनिंग थी। अभी नवंबर दिसंबर 2 महीने मैंने काम किया है एज अ प्लेसर एसोसिएट बायजूस में, और अभी मुझे 2 मंथ जो है वो खत्म हो चुके हैं और अभी जनवरी का 3रा मंथ जो है अभी शुरू है। तो मेरा जो 2 मंथ का एक्सपीरियंस था एज अ प्लेसर एसोसिएट वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जो मैनेजर मुझे मिले वो बहुत अच्छे थे, वो अच्छे ऐसा हैंडल करते सिचुएशन, अगर कुछ हमें आता नहीं है, हमारा परफॉर्मेंस अगर वीक होता है तो वो हेल्प करते हैं। तो अच्छा परफॉर्मेंस था। एंड मैं आपको मेरे जॉब नंबर के बारे में बताती हूँ एज अ प्लेसर एसोसिएट। मेरा काम बायजूस में क्या है, एज अ प्लेसर एसोसिएट में जो है डेमो बुकिंग का काम करती हूँ। लाइक सेशन जो होते हैं बच्चों के फ्री काउंसलिंग सेशन, वो सिर्फ मुझे बुक करने होते हैं, पेरेंट्स को बताना होता है कि फ़ोन पे ऐसा ऐसा सेशन है, वो आपको बस अटेंड करना है। तो ये बहुत ही सिंपल काम है, इससे कोई हेक्टिक वर्क वगैरह कुछ भी नहीं है, इजीली हमारे जो सेशन से वो बुक हो जाते हैं और हमारा जो टारगेट रहता है डेली का वो भी अचीव हो जाता है। तो इसमें कुछ भी हेक्टिक ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड अब बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में, तो इंटरव्यू जो होता है इस जॉब प्रोफाइल का, वो भी बहुत ईजी होता है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो ईजी था। जब आप अच्छे प्रिपेरेशन करके इंटरव्यू देंगे तो आपको भी वो ईजी ही जाएगा। तो इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, लाइक आते हैं कि जो हर एक इंटरव्यू में होता है कि टेल मी अबाउट यूर सेल्फ एंड व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस जॉब प्रोफाइल, आपको इस जॉब प्रोफाइल के बारे में सब कुछ पता है क्या, नहीं पता होता तो वो हमें बता देते हैं। लेकिन मोस्टली जो एम्प्लॉयज इंटरव्यू देते हैं जॉब प्रोफाइल के लिए, तो सबको पता ही होता है कि क्या जॉब रोल होता है। देन आफ्टर दैट आप बायजूस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो और बायजूस के बारे में आप क्या जानते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमसे कलेक्ट करते हैं इंटरव्यू में। तो ऐसा हमारा इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में जो है वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है अगर हमें सारे क्वेश्चन से आंसर आ भी जाते हैं। तो आपको भी अगर इस प्रीसेल एसोसिएट एज अ बायजूस में ज्वाइन करना है, तो फिर आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों मैं आपसे शेयर करूँगी कि बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछे थे कि मैम जो सैलरी रहती है बायजूस में, तो वो देते हैं हमें, वो फिक्स रहती है क्या, ऐसा तो नहीं रहता फिर ज्वाइनिंग के बाद हमें सैलरी नहीं मिलती बस ऐसे ही बताने के लिए होती है। तो ये भी डाउट मैं आपका क्लियर करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो सैलरी हमें जो पैकेज हमें प्रोवाइड किया जाता है 4 लाख पर एनम का, वो फिक्स होता है एंड 75,000 ऊपर के जो होते हैं वो ऐसे होता है जो हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर हमें मिलता है। तो जो सैलरी होती है वो हमें तो ज़रूर मिलती है। तो मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मेरे नवंबर मंथ की जो सैलरी स्लिप है वो भी शेयर करूँगी, जिसकी वजह से आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि यस सैलरी भी मिलती है बायजूस में, ऐसा कुछ भी होता नहीं है, ऐसा कुछ हमें सैलरी वगैरह नहीं मिलती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं खुद की मेरी सैलरी स्लिप आपसे शेयर करूँगी, जिसकी वजह से आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं बायजूस में एज अ प्लेसर एसोसिएट और आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी जॉब से रिलेटेड बायजूस में भी और अगर किसी और कंपनी में भी, तो आप मुझे जो है ईमेल कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो वीडियो में। मेरे ईमेल एड्रेस भी मैंने आपको इस चैनल पे दे दिया है, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। और अगर आप चाहते हो कि आपका रिज्यूमे जल्दी से शॉर्टलिस्ट हो जाए, जल्दी से आपके जो स्किल्स है सीवी में हाईलाइट हो जाए और आपका दूसरी कंपनी में शॉर्टलिस्ट सिलेक्शन हो जाए, तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो देने में ज़रूर हेल्प करूँगी।
ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो मुझ में डाउट्स थे आप